मैंने सोचा था मैं वीडियो कल बनाऊंगा, लेकिन ना वो मंथ शो खत्म हुआ तो मैंने कहा चलो आज मंथली एनालिसिस भी है और कल का दिन भी शायद तड़ाक पड़ाक वाला हो, और मेरी वीडियो बनाने से किसी बाइक की कोई ट्रेड बन जाती है, सवर जाती है, तो उससे बड़ी क्या बात होगी मेरे लिए कि भाई बेहतरी हो जाए, क्योंकि मुझे कुछ लग रहा था कुछ लोगों ने अगर ट्रेड ली हुई थी तो शायद उनको मेरी हेल्प की जरूरत पड़ जाए। ठीक है जी, चार्ट पे हम आ गए हैं और जनाब मैंने कोई एनालिसिस पहले से नहीं किया भाई, आपके सामने करूँगा एनालिसिस। AUD के पेयर्स पे जिन पे मैं करना पसंद करता हूँ बस उन्हीं पे करूँगा, बाकी टीटो पार्टियाँ मैं नहीं करता तो उन पे नहीं करूँगा। तीन पेयर्स हैं AUD USD के, AUD USD, AUD Yen और AUD न्यूजीलैंड, इसके ऊपर मैं ट्रेड करता होता हूँ, तो इनके ऊपर हम सही तरीके से कंप्लीट एनालिसिस करेंगे। मंथ ख़त्म हुआ है जनाब, हम मंथ को ख़त्म होते हुए देख लिया हमने, ये एक सपोर्ट थी जिसको ब्रेक करके नीचे आया था, ये प्रोबेबल जो है ये अपने रिजर्व एरियाज़ में है मार्केट, और मार्केट एक मंथली में रीटेस्ट करके रीटेस्ट कर रही है। ठीक है जी, थोड़ा सा और ऊपर जा सकती है कुछ 84 पे, तो हमें इतना तो पता लग गया कि मार्केट की डायरेक्शन नीचे है। मंथली में मार्केट ने एक ब्रेकआउट दिया या फेकआउट दिया तो भी हमें पता लगेगा, लेकिन हमें ये पता लग गया कि मार्केट कर क्या रही है। हम वीकली में आगे से देखते हैं तो जनाब वीकली में ये कुछ ये इस तरह कि हम अपनी ट्रेंड लाइन लगा के देखते हैं तो कुछ इस तरह की शक्ल बना रही है, जो कि हमें बहुत ज़्यादा क्लियर कब नज़र आएगी। वीकली में हमारा वॉल्यूम अभी तक वीक बंद नहीं हुआ तो हम नहीं कुछ कह सकते, हम अपनी ट्रेंड लाइन को एडजस्ट करते हैं। और ये हमने AUD USD में एक ट्रेंड लाइन खींच दी है दो किस्म के। हाँ ठीक है जी, और अब ये ट्रेंड के अंदर एक ट्रेंड ये भी चला था और जो कि डेली में इतना खास मुझे समझ नहीं आया, तो मैं H4 में आ गया, मैंने H4 में इसकी मैं गर्दन पकड़ना चाहूँगा। कुछ इस तरह से सीन है जिसको हम पिछले वीक में, अगर आपने पिछले वीक की एनालिसिस की वीडियो देखी है तो मेरे ख्याल है 5 से 6 ट्रेड जो हैं वो उसी तरफ गई हैं जिस तरफ अल्लाह के हुक्म से हमारे ऊपर अल्लाह ने जाहिर किया था एनालिसिस की मदद से। सीन कुछ इस तरह से है भाई मेरे, AUD USD में हम इसके सेल आने का वेट करना शुरू कर देंगे, साथ साथ इम्पल्स वेव थी करेक्शन की, एक इम्पल्स वेव थी करेक्शन की, उसका ब्रेकआउट किया बहुत प्यारी इम्पल्स वेव से उसकी करेक्शन की, ये इम्पल्स वेव है जो लोग इसे ऊपर भेजना चाहेंगे वो इस तरह की करेक्शन देखेंगे और उसके बाद इस पर बाय लेंगे, क्योंकि मैंने आपको कहा था ना 84 पिप्स इसने और जाना, तो ये जब नीचे आएगी तो उसके बाद ज़रा 84 पिप्स से ज़्यादा का वाया बन जाएगा, और जो लोग ये चाहेंगे कि हमें इसका पता लगे कि सेल आए, तो मेरे भाई मेरे जान के टोटो इसके इस ट्रेंड लाइन को ब्रेक करके इसको एक राइजिंग वेज की सूरत में रीटेस्ट होते हुए देना होने देना, उसके बाद इस पर आप सेल ले सकते हैं। उसके अलावा अभी अब यहाँ पे जो पहुंच मैंने रात मुझे रात को भी एक लड़के का फ़ोन आया था, मैसेज आया था वॉइस मैसेज, मैंने उसे बताया था कि अब जो पिछली ट्रेड थी ना वो निकल उगल गई हैं, अब और मज़ीद ट्रेड में ना कल लोग एंटर ना हो, जो जहाँ से मैं बताऊँगा वो उन्हीं ट्रेड का बनता है। एक सपोर्ट का एरिया, ये सपोर्ट तक आया और इसके बाद अगर ये इस तरह करता है ना तो हम इसकी मूवमेंट देखेंगे, जब तक ये हमें इम्पल्स वेव दे के दोबारा नहीं करता कुछ तो हम इस पर ट्रेड नहीं ले सकते। ऑजी मेजर पे दरमियान में से जो घुसे वो तुक्का लगा रहा होगा, मैं उसे कुछ नहीं कह सकता, उसकी मर्जी है। ये इम्पल्स वेव है,
इम्पल्सिव के बाद अमूमन करेक्शन आती है, करेक्शन के बाद करेक्शन का ब्रेकआउट होता है, तब कोई बात बनती है। ये ऊपर जाने वालों के लिए जो बाय करना चाह रहे हैं या जो बाय में है, उनको उनको चाहिए कि वो देखभाल लें। जो सेल में लेकर आना चाह रहे हैं, इन्होंने सेल ले ली तो वो भाई यहाँ से अपनी ट्रेड फिलहाल निकालें, इसका वेट करें, और अगर ये मुसलसल यहाँ तक गिरता है और उसके बाद यहाँ से रिट्रेस करके ट्रेंड लाइन को भी ब्रेक कर जाता है तो फिर ये सेल में आ जाएगा। ठीक हो गया जी। ऑजी येन भाई, ऑजी येन में जो लोग अभी तक इस वक्त तक बाय का ही मज़ा लूट रहे थे, वो ज़रा भी मंथली को खोलें तो फिर उनको उनकी आंखें बाहर आ जाएंगी। मंथली में ये एक एरिए को देखो ज़रा, 1 2 3 4 5 6 7 8 8 बार इस सपोर्ट से रिजेक्ट हुआ था ये, ठीक है जी। और 9वीं बार इसने इसको ब्रेक किया और ये रीटेस्ट कर रहा है इसको। अब मंथली का जो कि अभी यार बंद हो गया, मंथली की नई कैंडल बनेगी तो एक्सपेक्टेशंस क्या है कि इसने नीचे जा सकता, सेल जा सकता, अभी इसका रीटेस्ट का प्रोसेस खत्म हो गया और मंथली भी बंद हो गया। हमने इसको H4 डेली में आकर देखना कि डेली में ये क्या कर रहा है, और डेली में इसको देखने के लिए हमें कुछ कंफर्मेशंस चाहिए जिसके बाद ही हम सेल लेंगे ना या बाय लेंगे। अभी तो हम इस पर कोई तबसरा तब तक नहीं कर सकते जब तक हमें हमारा पैटर्न नज़र नहीं आएगा। तो हम अपना पैटर्न की तलाश में निकल आए हैं और हम अपने पैटर्न को ढूंढने की कोशिश करने लगे हैं। अच्छा, जब हमने ये ट्रेंड लाइंस डेली में लगाई है ना कुछ इस तरह से, तो हमने देखा कि मार्केट इस एरिया के दरमियान में घूम रही है। देखो जी, इम्पल्स वेव, फिर रिट्रेसमेंट शुरू हुई। ये पॉसिबिलिटीज हो सकती हैं भाई, मतलब इस लाइन, इन दोनों ट्रेंड लाइंस के दरमियान मार्केट घूम रही है। अच्छा, अब कोई मुजाहिद ये चाहता है कि भाई मार्केट सेल कब आएगी, कैसे पता लगे, तो उसको जबानी कलामी पता होना चाहिए कि ये देखो मार्केट ने ये की थी इम्पल्स वेव, उसके बाद करेक्शन की थी, H4 में बहुत क्लियर नज़र आएगा, फिर ये इम्पल्स वेव करके ब्रेक करके गई ऊपर, H4 में आ जाते हैं। क्लियर व्यू देख रहा ना, H4 में आ जाते हैं। ओए 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 की देख लिया मैं, इम्पल्स करेक्शन, इम्पल्स करेक्शन, इम्पल्स, फिर इम्पल्स, और स्वाद आ गया जी भाई मेरे। ये थोड़ा सा नीचे आके ना इस एरिया तक अगर ये आ गई ना, उसके बाद इसने कुछ ऐसे रिट्रेस किया और ये इस एरिया को रिटेस्ट कर लिया और अपना फिर पिछला लो और हाई ब्रेक करके नीचे गिरी ना जब, तो ये बहुत सेल में जाने वाली मार्केट। इस पर बाय कोई ना ले अभी, AUDN पे अब कोई बाय ना ले। मैं आपको बता दूं, जिसकी बाय है ना वो बहुत खतरों का खिलाड़ी अक्षय कुमार बना हुआ फिलहाल। इम्पल्स थी, करेक्शन करते हुए नीचे आना चाहिए था इसे, करेक्शन ही करती हुई आई इम्पल्स की सूरत में। अब इसको मूव करने दो, इसको देखो कि भाई क्या कर रहा है ये, अपना कौन सा पत्ता खेलता है, AUDN पत्ता खेलने देना इसका, कुछ ना करना है इसको। जो लोग ट्रेड में हैं वो अपनी मेज मैनेज करें, मुझसे पूछ के नहीं ट्रेड लिया उन्होंने, मेरा एनालिसिस देख के लिया तो फिर उनको समझ आती होगी। अब ये दो किस्म की मूव्स हैं इसमें, इस तरह की करेक्शन करे, ब्रेकआउट करके ऊपर चला जाए। लेकिन इसने क्या किया जनाब, इसने एक ना इम्पल्स के बाद एक और इम्पल्स दिया और यहाँ तक इसको इम्पल्स दे दी ना इसने, क्योंकि पिछला हाई ब्रेक करा है ये कुछ। अच्छा, मैं आपको थोड़ा खुल के बयान करता हूँ, इसलिए मैंने आज किसी पेयर पे खुद एनालिसिस शुरू नहीं किया, मैंने कहा आपके सामने करूँगा, लोग अपना मैच करना शुरू कर दें। हाई लो, हायर हाई, हायर लो, हायर हाई, ठीक है, नीचे आया। अब ये हायर हाई था, ये हायर लो था, इधर एक सपोर्ट है, सपोर्ट का एरिया, हमें ये वाली ट्रेंड लाइन ब्रेक, हाँ ये ट्रेंड लाइन ब्रेक होगी सच, ये ट्रेंड लाइन जी ब्रेक हो चुकी है, ठीक है जी। H4 की बात कर रहे हैं। अच्छा, ये ट्रेंड लाइन ब्रेक हो चुकी है, अब हमें पिछला हाई भी ब्रेक हो गया, पिछला हाई भी असली तौर पे ये वाला एरिया ब्रेक, ये पिछला हाई था ये ब्रेक हो गया, पिछला लो जो है ना इसके सपोर्ट तक अगर ये आए और इसके बाद ये रिट्रेस करे इस तरह से और फिर ये वापसी मुड़े और इस हाई और इस लो को ब्रेक करके अगर इससे नीचे ब्रेक कर गया ना, तो फिर ये बहुत नीचे जाएगा।
अगर हमने इसे सेल भेजना है भेजना है तो हमें इस तरह का पैटर्न देखना पड़ेगा। अगर हमने इसे बाय भेजना है, जो कि अब मैं इसके बाय में इंटरेस्टेड नहीं हूँ, मैंने बाय में निकाली है इसमें ट्रेड ने पिछले वीक, तो क्या होगा जनाब? एक इम्पल्स वेव थी, उसके बाद एक और अभी तक की इम्पल्स वेव लग रही है। यहाँ से अगर ये मुड़ जाता है ना इस तरह, फिर इस तरह करना शुरू कर देता है इस तरह, तो फिर ये जनाब दोबारा एक ऊपर का चक्कर लगाएगा। आपने पैटर्न जेन में रखने हैं, मैं इनके पिक्चर्स भी बना के भेज देता हूँ। आप पैटर्न ज़रूर जेन में रखो, आप जेन में रखना कि कौन सी मूवमेंट पे आपने क्या करना है। अगर आप इस ट्रेड में नहीं हो, अगर हो तो फिर अब आप उस हिसाब से मैनेज करो। AUD न्यूजीलैंड क्या कर रहा है? AUD न्यूजीलैंड को अगर हम गौर से देखें, मंथली में अब आ गए हम, क्योंकि मंथली की अब कैंडल खुलेगी तो स्लो एंड स्टडी चलेगी, क्योंकि अभी 2-4 घंटे लेगी इसको बनने में। कुछ ये सीन था इसका, सिमेट्रिकल ट्रायंगल को ब्रेक करके नीचे आया था, इसने अपनी टीपी मारी, वेरी गुड। उसके बाद ये जिग जैग करता ऊपर चला गया। चला गया जी, मंथली में हमें समझ आ गई थोड़ी सी, अब हम वीकली में आएंगे। मंथली में तो हमने ट्रेड नहीं लेनी ना, वीकली में आके हमने देखा कि मार्केट की इम्पल्स वेव के बाद एक सिमेट्रिकल ट्रायंगल जो हमने पहले देख लिया वो बना। अब क्या कर रही है मार्केट? सवाल ये है कि मार्केट अब क्या कर रही है? मार्केट अब जनाब ये कर रही है कि इम्पल्स करेक्शन, करेक्शन का ब्रेकआउट, मिनिमम टारगेट ये था, ऊपर तक गया, फिर इम्पल्स बन गई, फिर करेक्शन हो गई। ये देखो इसका ब्रेकआउट और अपना टीपी पूरे टापो टाप इसने हिट किया। अब ये वापसी हो रही है इसकी यहाँ से। अब हम क्या करेंगे, हम इसको ज़रा जूम इन करके देखेंगे कि जो करेक्शन इसने ये दी थी, इसको ये ब्रेकआउट करके गया था, और ये इस ब्रेकआउट के बाद इसने कुछ 88 पिप दिए थे, इस पर मुझे याद है, मैंने खुद भी ट्रेड ली थी कल परसों परसों। अब ये नीचे आ रहा जनाब, ये नीचे आ रहा, और हमने क्या करना है, हमने वेट, अब इसका भी ये पूरा अपने डिज़ाइन देगा कि भाई इसने क्या बनाना चाहता है। इम्पल्स वेव देता है, करेक्शन करता है, ऊपर जाता है, शक्ल बनने देनी है इसकी यार, इसमें नहीं घुसना प्लीज़, मैं जिस इसके लिए मना करता हूँ ना, कोशिश करना उसमें ना घुसो। ये करेक्शन, यहाँ से इम्पल्स वेव थी और ये उसी स्पीड से नीचे आ रहा है। अब ये उस स्पीड से नीचे आ रहा है, जो इसको बाय लेके जाना चाहेगा वो क्या करेगा? वो इसकी कुछ इस तरह की, जो सेल लेके जाना चाहते हैं वो इस तरह की शक्ल बनने दें इसकी कोई, नीचे जाने के लिए। अब जो चाहते हैं बाय जाए तो वो ये जेब में रखेंगे। इम्पल्स वेव थी, ये मूवमेंट, ये मूवमेंट, ये मूवमेंट, ये मूवमेंट, ये मूवमेंट, क्या ये खुला तजाद नहीं है? शक्ल बन गई ना, फिर ऊपर जाएगा ये। ओके, ये थे AUD के पेयर्स। अब हम खोलते हैं मेजर को। मेजर के 3 पेयर्स मैं खोलता होता हूँ, यूज़ द कैड। मैंने आज फिर बताता चलूँ कि मैंने पहले का इसलिए नहीं खोला कि वो मेरा एनालिसिस होता है, लड़के कुछ और भी अच्छा समझ सकते हैं तो समझ लें। हाँ USD CAD जो है ना जनाब, मंथली में कुछ ऐसा सीन है इसका, इम्पल्स वेव। एनीवेज अभी हम मंथली में तो नहीं कर रहे ट्रेड, लेकिन हमें इतना इशारा मिल गया कि भाई ध्यान करो। वीकली में आ जाते हैं, वीकली में सारी दुनिया को पता ही, अपना ट्रेंड ब्रेक करके ऊपर गया था, और मैंने इसके पीछे काफ़ी एनालिसिस करके देख चुके हैं हम के कुछ रिश्तेदारों ने रुकावटें बनाई हुई थी। ठीक है, गंद मच गया, लेकिन जब हम डेली में आएंगे तो गंद नहीं होगा। अब डेली में आके हम अपनी और प्रोटेक्शंस लगाएंगे और ट्रेंड लाइंस को पक्का कर लेंगे। ट्रेंड लाइंस कुछ ये बता रही हैं। अच्छा, जहाँ से ये मुड़ा है ना, अच्छा फिर पिन बार बनाई है बड़ी ज़बरदस्त किस्म की कल क्लोजिंग पे। ये देखें जनाब, USD CAD पे फिलहाल कोई ट्रेड नहीं है, लेकिन मैं आपको बताता हूँ ट्रेड इसमें आनी कैसे है। ये देखो भाई,
कुछ इस तरह से तेरी नज़रें मेरी नज़रों से मिला ली हैं उसने, इम्पल्स वेव, ये कुछ इस तरह सीन बनाएगा तो कुछ बाद में बात बनेगी तो बाद में मज़ा आएगा, और फिर ये दो बड़े मेजर रिश्तेदार बनेंगे तो नीचे जाएगा। ये देख लेना कि ये दो मेजर रिश्तेदार जो है ना नीचे फंसे हुए हैं, इनसे जब तक ये राज़ी नहीं होगा कराएगा इनको तो आगे काम नहीं बनना। ये इम्पल्स वेव है, हम करेक्शन का वेट कर रहे हैं इसमें भी, यूएसडी कैड में भी, जो कि अब जल्दी देगा। और यूएसडी येन में से तो मैंने 2017 के 18 के मार्च से ट्रेड लेना बंद की हुई है। अच्छा दिल्ली में देखते हैं क्या कर रहा है। ओए होए होए ये देखो, ओए होए होए होए, यो जी अरसे बाद यूएसडी येन ट्रेड देने के मूड में आया हुआ है। ये क्या हो रहा है, ये राइजिंग क्या बन रहा है? जो मेरे स्टूडेंट्स हैं जो अभी तक जिन्होंने पिछली सारी वीडियोस वगैरह देखी उन्हें पता लग गया होगा कि जब करेक्शन होती है तो फिर मुझे क्या लगता है, बहुत अच्छा चस आ जाती है, चस। लो जी ये पिछला, अच्छा अब हम अपने आप से बातें करते हैं। हाई लो, हायर हाई हायर लो, हायर हाई पिछली सपोर्ट, ये ब्रेक करेगी और इसके बाद कुछ इस तरह का रीटेस्ट देगी तो क्या होगा, सेल। अगला टारगेट ये, रिश्तेदार राजी तो की करेगा काजी, उससे अगला टारगेट ये, अगर ये इसको ब्रेकआउट करके अपनी पिछली अपनी लो हायर लो को भी ब्रेक कर देता, ठीक है। यहाँ तक तो ये मुझे जुबानी समझ आ देनी चाहिए, मैंने मेरा मकसद तो ये हो गया, क्योंकि अब आप लोगों ने सारा कुछ समझ लिया हुआ तो आपको इशारे ही देना काफ़ी होना चाहिए, क्योंकि कहते हैं ना कि मोटरसाइकिल सिखा दी है बस, अब चलानी तो बाप ने खुद ही है। इम्पल्स वेव करेक्शन, इधर तक का टीपी था थोड़ा सा ऊपर गया, अब गिरा, गिर के अपने पिछले हाई को ब्रेक कर दिया, इधर से नीचे आए करेक्शन करता रीटेस्ट करता ऊपर जाए जिस तरह यूएसडी फ्रैंक ने पिछले दिनों किया, तो फिर ये जनाब नीचे जाएगा। आपके पास इसके लिए टारगेट होगा, पहला ये फिर दूसरा टारगेट ये और फिर सो ऑन, जैसा कि इसने यहाँ पे किया, ठीक है जी। ये या यूएसडी येन, यूएसडी फ्रैंक, आजकल सारे यूएसडी फ्रैंक में घुसे हुए हैं, पिछले दिनों बहुत तंग किया यूएसडी फ्रैंक ने, डेली में आ जाते हैं, देखो जी डेली में क्या कर रही है। और यूएसडी फ्रैंक वो एक पेयर है जो बार बार रीटेस्ट करता है, पता नहीं क्या चाहता है ज़िंदगी से अपनी। अच्छा जी पीछे का तो हमें पता था, हम इसको देखते आ रहे हैं मुसलसल, अब हम इसको आगे देखते हैं कि ये किस पोजीशन में है। मंथ के एंड में इसने क्या किया जी, मंथली में इसने एक, इसका वॉल्यूम लो रहा है, वीकली में इसका वॉल्यूम अभी तक लो है, लो जी सेल का वॉल्यूम लो वाला है। अच्छा, यहाँ पे हमारे पास सीन ये था कि जनाब अली सर पे जाली, हाई हायर लो, हायर हाई हायर लो, हायर हाई हायर लो, हायर हाई हायर लो, लोअर हाई ब्रेकआउट रीटेस्ट, इस एरिया से रीटेस्ट किया इसने, आपके सामने मुड़ा, इसका टारगेट ये अपने टारगेट से थोड़ा पीछे ही गया है, ये प्रोबेबली यहाँ तक पहुँच जाएगा, इस एरिया को ब्रेक करेगा, इसका रीटेस्ट, फिर नीचे अगला रिश्तेदार यहाँ तक, ठीक है जी। अब यहाँ पे सारे इस ट्रेड में काफ़ी लोग घुसे हुए हैं तो वो देख संभल के अपनी ट्रेडों को मैनेज करते हुए चल सकते हैं, आप इसके दरमियान स्कैल्प भी कर सकते हैं। यूसी फ्रैंक का तो बहुत इजी सा एनालिसिस है। अब हम आ जाते हैं स्कैड के पेयर्स पे और फ्रैंक के पेयर्स पे जो सी से शुरू होते हैं। कैड फ्रैंक क्या कर रहा है, कैड फ्रैंक में एक बहुत अच्छी सेल देने वाला, ये देखें ये कैड फ्रैंक की एक ट्रेंड लाइन है, ये कैड फ्रैंक की दूसरी, ओ माय गॉड ट्रेंड लाइन है,
ये कैट फ्रैंकी, एक सपोर्ट का एरिया है। कैट फ्रैंक का दूसरा सपोर्ट का एरिया, ये अपनी स्ट्रेल लाइन को ब्रेक करके नीचे आया। कैट फ्रैंक सेल के मोड में भाइयों, ये बात याद रखना। इंपल्स वेव, अपोजिट साइड में करेक्शन, नीचे से पहला ब्रेक आउट, ये थोड़ा नीचे आके जब ये रीटेस्ट देगा ना इस तरह का, फिर हमें इस ट्रेंड लाइन को ब्रेक होने का वेट है। हम इसके यहाँ तक ट्रेड लेंगे और उसके बाद जब ये एरिया ब्रेक होगा फिर हम इसके नीचे तक ट्रेड लेंगे। ये अल्लाह के हुक्म से इधर तक आने वाला। अच्छा मैं रिपीट करता चलूँ, जो कैट फ्रेंड को नीचे लेकर आ रहे हैं उनकी लॉजिक क्या होनी चाहिए, उनको पैटर्न देखना पड़ेगा कि इसने एक इम्पल्स वेव दी है और ये इम्पल्स वेव थोड़ी सी और नीचे जाए और उसके बाद रिट्रेस करे इस तरह, ठीक है। रिट्रेसमेंट के दौरान ये इस एरिया को भी रिटेस्ट कर देगा और इसके नीचे जाने का बहाना बन जाएगा, क्योंकि राइजिंग वेज जो है नीचे से ब्रेक होता है अगर ये राइजिंग वेज बनाता है। अगर ये ऊपर जाना, यहाँ से ऊपर आप इसको भेजना चाह रहे हैं, फिर आप इसे किस बेस पे भेज रहे हैं? अभी चूंकि ये इधर से एक इम्पल्स वेव थी, एक करेक्शन, अगर एच फोर में देखी जाए करेक्शन हुई होगी, फिर एक और इम्पल्स वेव, तो भाई जान अगर आप इसे ऊपर भेजना चाहते हैं तो फिर आप इसको इस तरह की कोई मूव होने दें, अदरवाइज आप इसे बाय ना करिएगा। अभी बाय करने वाला जो है ना वो मौत के मुंह में जा रहा है। मंथली का चार्ट आ गया भाई, कैडियन का। कैड येन ने पिछले दिनों बड़ी दुम्मे मचाई थी पर एकदम ही उसकी दुम्मे खत्म हो गई हैं। कैड येन वीकली में क्या कर रहा है, ये कर रहा है जी, कुछ कैड येन ने ये हरकत की थी और वहां से वापसी हुई है इसकी। अब डेली में देखते हैं क्या कर रहा है। ओए होए होए, कैड येन ने क्या क्या सारे पेयर्स ने ना जो ये खत्म बाहर हुई है इसी पिछले दिन। अब नीचे गिरा, इम्पल्स वेव करेक्शन ऑपोजिट साइड पे करना शुरू कर दी। ये देखो ऑपोजिट साइड पे करेक्शन हुई, तो फिर इसने ब्रेक ऊपर से करना था, ऊपर से ब्रेक करने के बाद इसने ये करेक्शन की है भाई। ये देखो इस करेक्शन का ब्रेकआउट ऊपर ही होना था, जाहिर है ऊपर जब ब्रेकआउट कर गया एच फोर में इसने जनाब इम्पल्स वेव के बाद जो है ना ऑपोजिट साइड पे करेक्शन करना शुरू कर दी, वहां से इसका ब्रेकआउट होना मस्त था। अब ये खड़ा सपोर्ट के ऊपर, बड़ी अच्छी सपोर्ट के ऊपर, इधर से इसको ब्रेक करके नीचे आए और फिर कुछ इस तरह से रिटेस्ट करे सेल मार्केट। वैसे कैडियन की बेसिकली सेल में है, अब हमें सेल वाला सिग्नल ढूंढना है अब, और फिर इसको ब्रेक करता तो फिर आप इसके ऊपर एक बहुत अच्छी किस्म की ट्रेड ले सकते हैं और बड़ी सोच विचार के आपने इस पर ट्रेड लेनी है, ठीक है। अभी जो बाय में है ना, जो कह रहा है मैं बाय लेना चाह रहा हूँ, वो यार वो अल्लाह का खौफ करे और ध्यान से बाय ले। मैं पर्सनली इसमें सेल में हूँ, मैं ये नहीं कहूँगा कि आप इसलिए सेल ले लें। अभी इम्पल्स वेव है, तेज़ वेव है ना, देखो इसके मुताबिक और इसके मुताबिक कितना ठहरो, एच फोर से वो हारने तो ठहरो, तुसी नहीं समझ रहा इतना इतना नहीं समझ सकते, तुसी नहीं समझ रहे जरा मैं कह रहे हैं, कोई नहीं समझता मेरी गल। ए देखो इम्पल्स वेव ब्यूटीफुल करेक्शन, इस करेक्शन का ब्रेकआउट ऊपर तक दिया नहीं उससे काबू हुआ, वो एंड तक नहीं जा सका, फिर इम्पल्स वेव दे के अपोजिट साइड पे करेक्शन दे गया एकदम। इसने इम्पल्स वेव दी और इम्पल्स वेव देने के बाद अपना पिछला सारा पैटर्न को ये धो गया, और इम्पल्स वेव देने के बाद इसे नीचे करेक्शन करनी चाहिए थी, इसने नहीं की, उल्टे साइड पे करेक्शन शुरू कर दी। और जब उल्टे साइड पे करेक्शन शुरू होती है तो आप याद रखें मार्केट का रिवर्सल होता है, और ये इम्पल्स वेव है। अब हमें इस एरिया के ब्रेक होने का वेट है, जब ये इस एरिया को ब्रेक करके दोबारा रीटेस्ट करना शुरू करेगा तो फिर हम जनाब इस पर ट्रेड लेंगे, इसमें सेल में जाएंगे। और ये अच्छी खासी क्योंकि येन का पेयर है, इधर से यहाँ तक किस किस में 129-30 पे किस की ट्रेड होगी, मैं ज़रूर आपको बताऊंगा। हम यहाँ पे अब चूँकि आप देख रहे हैं तो ये एरिया ब्रेक होने का वेट है, इसके बाद आप इस पे नई नया आपका प्लान हो सकता है। वो थोड़ी खैर हुई फ्रैंकन कितने आ गया जी, नया महीना नए कपड़े नई यूनिफॉर्म है। ये देखो जी, ओह फ्रैंक ने क्या किया,
मैंने हमेशा कहता हूँ कि मार्केट जिस वक्त बड़ी मूव जहाँ की मतलब बड़े टाइम फ्रेम में जहाँ की उसकी रुझान होता है ना, मार्केट एकदम उसमें वापस आ जाती होती है। इसलिए टुवर्ड्स द ट्रेंड लेना ट्रेड बहुत बेहतर होती है। ठीक है जी, हम इसकी पिछली ट्रेंड लाइनें लगा के देख लेते हैं जी। यार मैं की कर बैठा है, ये ट्रेंड लाइन जा रही थी, इसको ये ब्रेक करके इम्पल्स वेव से ऊपर गया और ये देखो ये करेक्शन करता नीचे आया ना जी। फिर ये यहाँ तक पहुँचा ऊपर, इसने अपना हम रिजर्व लेवल नहीं मारे लेकिन आपकी टीपी जिसने भी ली होगी तरीके से उसकी हिट कर गई। अब नीचे आया, अब ये कुछ इस तरह की शक्ल बनाए नीचे आने के लिए था। देखते हैं दोबारा, देखते हैं दोबारा, देखते हैं इम्पल्स वेव, फिर इम्पल्स वेव बनती नज़र आ रही है, कुछ इस तरह की करेक्शन दे तो हम इसको काबू करके इसको नीचे लेकर आए। अगर इस तरह की शक्ल नहीं देता और ये इस तरह की शक्ल देने लग जाता इधर से तब भी ठीक है। अगर आप इसको बाय लेके जाना चाहते हैं तो फिर आपने इसकी ये इम्पल्स वेव देखी है, दूसरी तीसरी चौथी पांचवी छठी, फिर कुछ इस तरह की शक्ल बनेगी तो ये ऊपर ऊपर का सिग्नल देगा। इस पेयर पे भी वेट करने की ज़रूरत है हमें, लेकिन आप मद्देनज़र रखें इसके चेहरे कि ये जो है ना, मैं दोनों पिक्चर्स जो है ना एक एक पेयर की दोनों सिनेरियोज मैं भेजता हूँ ग्रुप में कुछ देर में, ताकि वीडियोस में बार बार बंदा जाके तो नहीं निकाल सकता। अच्छा जी, अगला शिकार कौन है हमारा? यूरो के पेयर आ गए, यूरो फ्रैंक, यूरो ऑजी, यूरो कैड, यूरो येन, यूरो न्यूजीलैंड, यूरो यूरोडिन काला मैंने पांच पेयर ही है। मैं यूरो के जीबीबी वाले पेयर पर ट्रेड नहीं करता हूँ। और यूरो, ओहो आजकल तो मुझे यूरो यूएसडी भी बड़ा पसंद आ रहा है। तो जी अब यूरो के पेयर खोली मैंने आपके सामने, यूरो ऑजी ने अपना, अच्छा यार यूरो ऑजी के ऊपर जिन्होंने जो लोग सेल में थे ना वो निकल जाए फिलहाल। यूरो ऑजी में से सेल में क्यों निकल जाए अभी हम देख लेते हैं क्यों निकल जाए। यूरो ऑजी ने अपनी सपोर्ट की ट्रेंड लाइन नहीं ब्रेक की सही तरीके से, इसलिए वहाँ से वापसी हो रही है। ठीक है जी, ये देखें ये था यूरो अजी। अच्छा जी, यूरो अजी कुछ इस तरह से कर रहा था। यार यूरो अजी में इतनी अच्छी ट्रेड थी ना, इन्होंने मेरे मुंह से निकलता इंपल्स वेव करेक्शन, करेक्शन का ब्रेकआउट इस पिप तक, ये यहाँ तक आया है। ब्रेकआउट देने के बाद कुछ 97 पिप आया, मैंने 100 पिप ही कहा था कि 100 पिप इसकी मूविंग के चांसेस हैं। मेरी की बैटरी में उड़ जाना 2 मिनट बाद, तू चलती रहा तेनों की लगे नहीं यूरो थले आ रहे थे। अच्छा जी ठीक है, यूरो को ना मेरे भाइयों बहुत जरूरी रिश्तेदार बनाना है, वो है ये और ये। तो मैं आपको ये मशवरा देता हूँ कि आप यूरो को ना ये रिश्तेदार बनाने दें, ये वाला, ये वाला, ये फुफ्फो और ये फुफा जी। यूरो को इसको ब्रेक करने के नीचे आके फिर इसको रिटेस्ट करने दें। यूरो ऑजी को थोड़े दिनों के लिए ना भूल जाएं आप, इसमें आप ही की बेहतरी है। और आपने इस पर ट्रेड अगर फजूल में यहाँ से बाई के लेनी है तो आप लेते हैं फिर सानू की लगे, आप ही चखोगे मज़े। ठीक है जी, सेम सीन जो है ना वो यूरो न्यूजीलैंड के साथ भी लग रहा है मुझे। यूरो न्यूजीलैंड ने तो पिछले कुछ महीनों में इतना तंग कर दिया ना यार, इतनी मज़े की ट्रेड थी ना ये, जो बगैरती न्यूज़ों ने बगैरतियाँ मचाई हैं ना, इसकी वजह से यूरो ने ना अपनी ट्रेड ही वापस ले ली हमसे। यूरो नाराज़ हो गया हमसे। यूरो ने क्या किया था ये देखो यार, यूरो यूरो सीधा सीधा काम था यूरो न्यूजीलैंड का, एक इम्पल्स वेव फिर उसके करेक्शन चेक करो, ऑपोजिट साइड पे लेना शुरू कर दिया उसने। इसका ब्रेकआउट हमें, इस ट्रेंड लाइन का ब्रेकआउट चाहिए पहले, हमें इस ट्रेंड लाइन और इस सपोर्ट का ब्रेकआउट चाहिए, उसके बगैर हम यूरो पर ट्रेड नहीं ले सकते। हमें ये सपोर्ट ट्रेंड लाइन तो इसने अपने नुक्कर, ओहो नुक्कर पे है ट्रेंड लाइन के, क्या कर रहा है यूरो, तो क्या कर रहा, तो क्या चाहता है, ऐसा क्यों करता है, तो हमारा नहीं तोड़ी इसने ट्रेंड लाइन अभी तक। इसने
अगर हम इस विक को इग्नोर करें ना और सिर्फ स्टोरी लाइन को देखें तो इसने इसको रीटच किया, लेकिन भैया हम इसके विक टू विक के ट्रेंड लाइन को नहीं इग्नोर कर सकते। अभी तक इसके रास्ते में ये बहुत मेजर रुकावट है। इसको ब्रेक होने दो, इस एरिया को भी ब्रेक होने दो, इन तीनों को ब्रेक होने दो। ये तीनों आंटियाँ जो माने रीना जैसी मानेंगे तो रिश्ता पक्का समझो। फिर हमारी इसकी 190 पिप की चाल और उसके बाद सो ऑन, हम देखते रहेंगे इसको। ठीक है ये इस वक्त यूरो येन जो है वो मेरे इंटरेस्ट का मरकज बना हुआ है। मंथली दिखाना मेरा यूरो येन का। ओला हेलो जी, पढ़ो जैमिनार। अच्छा रिटेस्ट लग रहा था, ठीक है वीकली में आ जाओ। वीकली में क्या कर रहा है ये, वीकली पर भी नज़र डालनी चाहिए। राइजिंग वेज ब्रेकआउट, डेली में आ जाओ। लो जी भैनों भराओ, 15 साल तो इन्हें बसा से खज्जल हो रहे हैं, फक्कियाँ बेच रहे हैं जनाब। ये सीन है इसका, इम्पल्स वेव करेक्शन, इम्पल्स वेव। ये H4 में करेक्शन दे के फिर ऊपर जाके ब्रेक किया इसने। अच्छा ये देखो, ये बड़ी मज़े की ट्रेड थी, मेरा ख्याल है मैंने इस पर रात को स्कैल्प किया था। अब मुझे याद नहीं है, मुझे याद नहीं आ रहा, आई एम नॉट श्योर, लेकिन मुझे लग रहा है कि मैंने इस पर स्कैल्प किया था। बहरहाल हम यहाँ पर स्कैल्प ही नहीं करने आ रहे। अब जो सीन चला ना भाई, ये बड़ी इम्पल्स वेव दे रहा है। यूरो येन कम से कम जो है ना, कम से कम गिरे, अभी तक तो खैर गिरने के चांसेस के कम है, क्योंकि इम्पल्स वेव की करेक्शन का ही हिस्सा हो सकता है। यूरो येन को अगर हमने नीचे लाना है ना नीचे, तो हम चाहेंगे कि यूरो येन इधर से नीचे आए, इधर से उठे और फिर यहाँ से नीचे गिरे, इस ट्रेंड लाइन को ब्रेक करे, तो हम यहाँ पे सेल ले लेंगे। लेकिन अगर यहाँ से भी ये रिट्रेसमेंट करता है ना करेक्शन, तो हम H4 वगैरह में हम इसकी ट्रेड ढूंढ लेंगे अगले वीक में, अगले वीक डेढ़ में हम ढूंढ लेंगे। लेकिन इम्पल्स वेव के बाद करेक्शन का कुछ ये मूव बन सकता है, इम्पल्स वेव के बाद करेक्शन का कुछ ये मूव बन सकता है। ठीक है जी, उसके बाद ब्रेकआउट ऊपर को वेट करना पड़ेगा, थोड़ा सा वेट। इस पर 0 यान पे इतना ज़्यादा वेट नहीं करना पड़ेगा। मैं हम जब संडे की रात को इसका एनालिसिस करेंगे ना, कल का दिन गुजरने के बाद, फिर हमें समझ आएगी कि हमने इस पे करना क्या है, कुछ इस तरह और फिर ऊपर, या जो सेल ला लेकर आना चाहते हैं वो फिर इसको मौका दें यूरो को एक आखिरी ज़िंदगी का, कि उसको नीचे आने दें और उसके बाद इस तरह की करेक्शन करने दें, फिर देखें हम ये रिश्तेदार बनाने के बाद सीधा नीचे यूरो को लेकर जाएंगे यहाँ तक, बल्कि इससे भी काफ़ी नीचे। ठीक हो गया जी, यूरो कैड, कैड तो ऐसा कुत्ते की तरह गिरा जैसा डीजल नहीं गिरा, डीजल को गिराते हैं अभी। अच्छा जी यूरो कैड में कोई शक्ल नहीं बन रही, कोई शक्ल नहीं बन रही फिलहाल, कोई मजा नहीं दे रहा। इम्पल्स वेव दिए इसने इसके ब्रेकआउट करने के बाद, ये जिन लोगों ने यहाँ पे प्रॉफिट लिए न्यूज़ की, जैसे 208 पे दे दिए। यूरो कैड ने मुझे बड़ा डिसअपॉइंट किया हुआ है आजकल। मैं इस पर बड़ी मजे की सेल की ट्रेड में, अगर आप वीकली में देखें ना तो ये, ओ तेरी खैर, वीकली से रीटेस्ट कर रहा सी। यूरो कैड को नीचे आना चाहिए, यूरो कैड ने नीचे आना और यूरो कैड को नीचे तरीके से आने देना चाहिए। अभी तो एक करेक्शन करता नीचे आया था, एक छोटे से कंसोलिडेशन करके फिर एक इम्पल्स वेव दी, इसको ना एक वेव देनी चाहिए हमें नीचे लाने के लिए ना। अब इसका ना रुझान नीचे को है, देखा कुछ लोगों ने बाय के बड़े लंबे लंबे सिग्नल दिए हैं, अभी मुझे नहीं पता उन्होंने कैसे दे दिए हैं, इतने का वो कैसे हो गए हैं, इतने वो शहनशाह बने हुए। अच्छा एक मिनट यार, यूरो कैड पे ना अभी मुझे कोई ट्रेड नज़र नहीं आ रहा, जाके मैं पिछले वीक भी कह रहा था कि मुझे कोई इतना खास नज़र नहीं आ रहा। ये एक इम्पल्स वेव थी, इसकी करेक्शन ऐसे आए तो फिर हम इसके ब्रेकआउट पे एक बाय ले सकते हैं, ऊपर जाने देंगे इसे, और अल्लाह के हुक्म से अगर इसने इस तरह ये इम्पल्स वेव का एक और इम्पल्स वेव नीचे दे दिया और पिछले अपने लोज को हाइज को ब्रेक करके इस तरह करके गया नीचे, तो फिर बहुत नीचे जाएगा। आपने अपने प्लान के साथ स्टिक रहना प्लीज़, एवं फजूल के अंदर लोगों की ट्रेडें वड़ी नहीं जाया करो, तरीके ना बढ़िया करो। अच्छा जी
डेली में यूरो यूएस, यूरो यूएस जी ने कितना कमाल किया था पिछले दिनों, कितना कमाल किया था। देखो ये पहले जो करता है, हम इसकी पहली बगैरतियों को माफ़ करते हैं और हम इसको नए तरीके से लेके जानना चाहते हैं। ये जो आ रहा था नीचे, इसको ब्रेकआउट किया इसने इंपल्स वेव की सूरत में, फिर एक करेक्शन मार दी इसने। करेक्शन के बाद ये अपना टीपी तक गया बिल्कुल तमीज़ के दायरे में रहने के बाद। कैसे गया H4 में देख लें आप, बहुत मज़े की ट्रेड दी थी इसने। इस पर भी मैंने रात को स्कैल्प की थी, ये देखें आप, ये जनाब सीन है। इम्पल्स करेक्शन, अपने टीपी तक पहुंचा करेक्शन, इसको ब्रेकआउट करने के बाद इसने 62 पिप्स की टीपी, छोटा ही इसकी टीपियाँ छोटी होती हैं, फिर बड़ा वोलेटाइल पेयर है, इसकी पिप वैल्यू बड़ी ज़बरदस्त किस्म की है। मूवमेंट जो है ना, वो थोड़ी सी मूवमेंट में थोड़े, ज़्यादा सी मूवमेंट में थोड़े पिप देता है। अब हमें इसे नया शक्ल बनाने देने चाहिए, देनी चाहिए, अलाउ करना चाहिए, हमें अगले वीक में पता लगेगा। आज तो इसने डॉजी बना के जो है ना एंड किया। इसका चैनल ये बन रहा है फिलहाल, H4 देखो, वेट करना पड़ेगा। इम्पल्स वेव से ये अगर इस ट्रेंड लाइन को ब्रेक करके रिटेस्ट करता तो फिर हम इसको सेल के मोड में ला के देख जाने के तो देख सकते हैं। यूरो फ्रैंक पे हम आए, यूरो यूरो मेजर को छोड़ देना थोड़े दिनों के लिए। हाँ देखो जी, यूरो फ्रैंक ने क्या हरकत की हुई। अब यूरो के ज़्यादातर पेयर जो है ना मिक्सअप हो गया काम, पार्टीबाजी हुई यूरो में, आधे सेल में जा रहे हैं आधे बाय में जा रहे हैं, क्यों जा रहे हैं ऐसे देख लेते हैं हम। अच्छा जी, यूरो ने इस एरिया को ब्रेकआउट किया, यहाँ से इम्पल्स वेव दी और इम्पल्स वेव के बाद पुट्ठे साइड पर करेक्शन शुरू कर दी, मतलब कि नीचे आने के मूड में है, और फिर इस तरह करके रिट्रेस करता है और ये फिर उसको नीचे लेकर आता है। देखते हैं H4 में, देखते हैं हम इसको कैसे पकड़ सकते हैं। H4 में इम्पल्स वेव करेक्शन अपोजिट साइड और नीचे, इम्पल्स वेव के बाद क्या होता है, लले करेक्शन होती है, या वो अपने फेवर में होती है या अपने फेवर के नुकसान में होती है, ये ज़रूर कोई न्यूज़ का चक्कर रहा है, लेकिन ये मेजर तरीका रहा है इसका। ब्रेकआउट रीटेस्ट H4 में ही आप इस पर ट्रेड्स खेल सकते हैं भाई मेरे, लेकिन आपने अगर इसको लॉन्ग टर्म में ट्रेड में नीचे लेकर आना तो आप इसके इस एरिया को ब्रेक होने का वेट करें और फिर आप इसको सेल में लेकर आएंगे। इसको मैं अपडेट करूंगा संडे की रात को, कल का दिन देखते हैं कैसा तड़ाक पड़ाक हो जाए मार्केट में। यूरो के पैर मुक गए हैं, अफरीदी की, शाहिद अफरीदी को देख लेते हैं, शाहिद अफरीदी के पेयर्स को देखते हैं। GBB को शाहिद अफरीदी कहते हैं हम, नए आने वालों के लिए तला देते हैं। अच्छा जी, GBB न्यूजीलैंड, GBPN खोल लिया कि नहीं खोला, GBPN नहीं खोला, मेरा ये है और GBBUSD यार, यहाँ पे मैंने ऑजी को देख लेते, GBP ऑजी को दिल्ली में आ गए। पिछले वीक की वीडियो उठा के देखो ना, तो मैंने इसकी रिट्रेसमेंट इसी तरह बताई थी, शायद अल्लाह के किसी बंदे को याद हो जो कि सीरियसली देख रहा होगा। ये देखो इसने रिट्रेसमेंट की है, फिर आज ब्रेकआउट कर दिया, ये नहीं किया, देखते हैं अभी। आपने बाहुबली नहीं बनना, आपने सिर्फ प्रॉफिट लेना मार्केट से, हमें ज़्यादा स्केच कुछ बना के फनकार नहीं बनना, हमने सिर्फ प्रॉफिट लेना, और हमारी जो प्रॉफिट की तरीका है ना वो सारी दुनिया को पता लग गया, हमने ब्रेकआउट स्ट्रैटेजी पे काम करना है जनाब। ये इसने ब्रेकआउट किया, ये इस सपोर्ट लाइन को जब ब्रेकआउट करेगा तो आप यहाँ से 7 बाय स्टॉप ले सकते हैं, आप यहाँ तक एक ट्रेड ले सकते हैं इस पर। ये ट्रेड जो आपको देगा ना 143 पिप का ट्रेड है ये, और अगर ये पैटर्न बदलने पे आए ना यहाँ पे, तो ये एकदम फॉल कर ले यहाँ से नीचे की तरफ, ब्रेकआउट करके रिट्रेस करे और फिर ये सेल में चला जाए। फिलहाल ये ब्रेकआउट कर रहा है, ब्रेकआउट के बाद आप इसका पिछला लोअर हाई ब्रेक होने दें, इस विक तक को ब्रेक होने दें, उसके बाद आप इस पर कोई अपनी ट्रेड लें तो जनाब 148 पिप की, 150 पिप की इस पर ट्रेड आपको मिलेगी अल्लाह के हुक्म से। फिलहाल इसने करेक्शन करके एक ब्रेकआउट करके ये रीटेस्ट का प्रोसेस में चल रहा है, और अगर आप इसको डेली में देखें तो डेली में इसने खास तरीके से अपनी अपनी रिट्रेसमेंट ब्रेक नहीं किया, अभी उसके अंदर ही है रिट्रेसमेंट के अंदर, तो सब्र करना है। और अगर आप चाह रहे हैं कि आप इसको सेल में लेकर आएँ तो फिर आपको उसकी एक लंबी फॉल चाहिए, लंबी फॉल का मतलब है तेज़ धार इम्पल्स वेव नीचे की तरफ इस तरह से, और वो जो तेज़ धार हो ना वो इस सपोर्ट को भी ब्रेक करे और फिर उसी सपोर्ट के ब्लू बॉक्स में रिट्रेसमेंट करे, और फिर यहाँ से अगर इस ट्रेंड लाइन को ब्रेक करती तो भी GBP ने गिरना बहुत है,
अल्लाह के हुक्म से वो हम देखेंगे, अभी तो फिलहाल ये जो है ना टाइम पास करा रही, एक चक्कर ही ऊपर का लगाएगी, फिर ये ना यहाँ से एक चक्कर ऊपर का लगाएगी। जीबीपी हाउसी का पेयर कह रहा हूँ, जीबीपी कैड। ओए होए, जीबीपी कैड की अगर आप वीडियो निकाल लें भाई, अगर आपको इतफाक हो जाए, मैंने पिछले वीकली का जो एनालिसिस किया था, अल्लाह मुझे माफ़ करे, उसका शुक्र है कि उसने सही एनालिसिस करवाया। इम्पल्स वेव के बाद करेक्शन की इसने, इसने ब्रेकआउट करके अपना टीपी हिट कर दी यार, ये टीपी मुझसे मिस हुई है, मैंने पता नहीं क्यों नहीं ली थी इस पर ट्रेड, भूल गया था शायद मैं, बहुत प्यारी टीपी हिट की है यार इसने, इधर से ब्रेकआउट करके तकरीबन 174 पिप की टीपी दी। नेक्स्ट मूव का इसका वेट करना पड़ेगा, फिर वही कहूँगा कि जो सेल में लाना चाहता है उसकी इम्पल्सिव का वेट करे। ये देखें, ब्रेकआउट स्ट्रेटेजी से आपको फॉरेक्स बहुत आसान लगने लग जाएगी, ये मैं आपको बता दूँ, और ये मेरी याद करता नहीं, ये सारी दुनिया इसको यूज़ करती है, और कुछ लोग तो सिर्फ इसी से स्टिक रहने के बाद जो है ना स्कैल्पिंग भी करते हैं, सिर्फ स्कैल्पिंग भी की जा सकती है इस पर, आप अगर लॉन्ग टर्म और स्विंग ट्रेडर नहीं बनना चाहते स्कैल्प भी कर सकते हैं, लेकिन उसके लिए आपको बहुत ज़्यादा एक्सपीरियंस की ज़रूरत है ब्रेकआउट स्ट्रेटेजी के अंदर। इसने अपनी टीपी हिट कर दी, इसको नई शक्ल बनाने दो अपनी। जीबीपी फ्रैंक, बहुत से पेयर्स ने महीने के एंड में ना एंड मार दिया अपने ट्रेड का, और वो अल जीबीपी फ्रैंक उतरे रुलंदे हाले तक, जितनी दी खोती थी उसे की कहने हैं, जितनी दी खोती उतरे आन खलोती। हेलो, पुट्ठी जगह पे जा रहा ऑपोजिट साइड पे, एक इम्पल्स वेव, ये देखो इम्पल्स वेव करेक्शन, फिर राइजिंग वेज उसकी करेक्शन, फिर इम्पल्स वेव ऑपोजिट साइड पे करेक्शन, क्या ये खुला तजाद नहीं है? नीचे आना चाहिए इसको, इसको कुछ इस तरह से करेक्शन करते आना चाहिए ऊपर का साइन देने के लिए, और अगर ये नीचे फास्ट आके फिर इस तरह करता सेल डाउन जाएगा। डेली में इसका क्या पैगाम है? डेली में इसका पैगाम है कि ये सीरीज से बहुत बार रिजेक्ट हुआ और ये बहुत जल्दी नीचे गिर सकता है, और ये कब गिरा ना अगर यहाँ से तो ये 200-300 पिप की ट्रेड देगा। अगली चाल का वेट करना पड़ेगा। लो जी, हम आ गए हैं जीबीपी न्यूजीलैंड में। पाउंड कीवी जो है हमसे थोड़ा सा, पाउंड कीवी इस वक्त पाउंड का ड्राइवर है, मैं बार बार कहता हूँ, पता नहीं किसी समझ आती कि नहीं आती। इम्पल्स वेव करेक्शन, पिछला हाई नहीं ब्रेक किया, नीचे रह गया उससे कोई मसला नहीं, राइजिंग वेज ब्रेकआउट पॉसिबिलिटी मूव यहाँ तक है इसकी, लेकिन अभी भी ये कुछ इस तरह भी शक्ल दे सकता है, और उसके बाद एक खुल के ऊपर जाएगा, एक चक्कर इसने ऊपर का ज़रूर लगाना है, अभी ये सेल में नहीं आया, आपने इसका भी वेट करना है, इसके ऊपर नज़र रखनी है आपने। ये करेक्शन थी, उसका ब्रेकआउट किया इसने, ब्रेकआउट के बाद इस पे बाय की प्रॉपर ट्रेड लगी नहीं थी सही तरह किसी की भी मेरा ख्याल है, क्योंकि हमने तो यहाँ से बाय स्टॉप इधर से लगाना था, हमने लेने थे इस पे 105 पे। एनीवेज, इसने एक और राइजिंग वेज बना के उसको बहाने से नीचे से तोड़ दिया, लेकिन वो अपने नीचे भी खालक है कि किसी नहीं मिल सका, जाके 62 पे ऊपर ही रहा, उम्मीद है कि ये 62 पे पूरे करने के बाद ये एक ऐसी शक्ल बना रहा है, फिर ऐसी ऐसी शक्ल बना रहा है जिसका ब्रेकआउट ही ऊपर करके फिर ये ऊपर चला जाएगा। इसकी शक्ल का वेट करना पड़ेगा, इस पर भी कोई ख़ास रिस्पॉन्स नहीं नज़र आ रहा मार्केट का दिया हुआ। अच्छा जी, पाउंड येन बहुत अच्छा जा रहा है यार, ये देखो पाउंड येन ऑपोजिट साइड पे इसने रिट्रेसमेंट की, उस रिट्रेसमेंट का ब्रेकआउट किया, उसके बाद ये फॉलिंग वेज बनाया छोटे छोटे टाइम फ्रेम में, मार्केट के आखिरी दिन थे, मार्केट ने बहुत बेइज्जती भी मचाई है कुछ पेयर्स ने, फिर एक राइजिंग वेज दिया, इधर जो है ना स्कैल्पर बड़े कामयाब रहे हैं आज आजकल में, इसका ब्रेकआउट और यहाँ तक इसको उम्मीद है कि इसने आना है अभी यहाँ से 38 पे, नेक्स्ट मूव फिर इसका वेट आउट करेंगे, वेट करेंगे हम। और जनाब
जो चाहता है ये नीचे आए वो उसकी इंपल्सिव का वेट करे और उसकी करेक्शन का, और फिर उसको नीचे आने दे। अभी जल्दबाजी में इसमें एंटर नहीं होना, लेकिन ये प्रॉबली जो है ना, मेरा ख्याल है, मैं बड़े वसूख से कह सकता हूँ कि अभी इसने सही तरह रिट्रेसमेंट शुरू नहीं की। ये देखें, ये इसी इसी के अंदर घूम रहा, ये इस तरह नीचे आएगा, फिर उसको ब्रेक करके ऊपर जाएगा। ठीक है, अभी आपने इसको पूरे पहाड़ों से नीचे आने देना, तरीके तरीके से आप इस पर सिर्फ बब्बर शेर बन के देखें आप इसको ऐसे, फिर ब्रेकआउट। ठीक है जी, और पाउंड के सारों को पेयर्स का तकरीबन यही हाल है। पाउंड मेजर को देखेंगे तो हमें सही तरह व्यू पता लगेगा कि पाउंड मेजर क्या कर रहा है। पाउंड मेजर उसको भी बगैरत निकलेगा, कोई शक्ल नहीं दस रहा। अच्छा, पाउंड मेजर पे मेरी रात को एक बहुत बड़ी स्कैप थी, किसी ने देखा हो तो। ये देखो, पाउंड मेजर ने अपनी रिप्लेसमेंट तोड़ी है, कंपल्स वेव दी है H1 में, देखें। हाँ, मिक्स एंड मैच हुआ है यार ये सारा काम, कुछ इस तरह का सीन है। एनीवेज, आपने डेली में इसको देखते रहना है, जिन्होंने पिछली वीडियोज देखी उसको एनालिसिस बिल्कुल ही समझ आ रहा होगा, पल्ले नहीं पड़ रहा होगा। जो नए लड़के आए हैं तो वो बराए मेहरबानी कि उनको पल्ले ना पड़ने की वजह से मुझे जो गाली दे रहे हैं उनको चाहिए कि पिछली जो वीडियोज पहले देखें और फिर देखें हम किस स्ट्रैटेजी के थ्रू काम करते हैं, तो फिर हम उस पर क्या हम उस पर बहस कर रहे हैं या बात कर रहे हैं। ठीक है जी, वो ये कुछ इस तरह करेगा, अगर इस तरह सक्सेसफुली करता है तो फिर इसकी जनाब ये मूव ऊपर को होगी, और बड़े मज़ेदार बकास बिरयानी वालों से भी मज़ा। बकास बिरयानी तो सुने फारा ही है। अच्छा जी, गोल्ड के पेयर में देखना चाहूँगा, गोल्ड गोल्ड मुझे लग रहा है कल ना गोल्ड ने, कल नहीं तो मंडे को बहुत तबाही मचानी है। जेड़े सेल च बैठे ने ना, अल्लाह रहम ही करे उन्हें। बोला ये गोल्ड की मूव है मेरे हिसाब से, गोल्ड की। ये बोल्ड ने पहले का ब्रेकआउट कर लिया है, अब गोल्ड ऊपर मूव करने वाला, यहाँ से 22 स्टॉप अगर आप लगाएं तो 339 pips मिलेंगे आपको। ये गोल्ड की मूव है, आप सीधी सीधी गोल्ड की सीधी सीधी मूव है यार। गोल्ड ने इतना क्लियर कभी स्ट्रक्चर नहीं दिया पहले, ध्यान से रहना आप। इम्पल्स वेव, और ये बड़ी प्यारी करेक्शन कर गया गोल्ड, बड़े लेवल पे करेक्शन की है गोल्ड ने। ABCD, इसने अपना वो मुकम्मल नहीं किया सर्कल, लेकिन जो है ना इसने अपनी अपना ना सर्कल मुकम्मल नहीं किया, उससे पहले ही बाहर छलांग मार दी है। लेकिन अब जो उम्मीदें हैं ना, वो इस एरिया के ब्रेकआउट होते ही ना, ये जो भी ब्रेक मिस किया ना इसने, यहाँ पे ये मिस किया, यहाँ पे मिस किया, जहाँ पे इसने फिर यहाँ तक शूट करना, 1550 तक जाना है इसने दोबारा, और शायद उससे भी ऊपर। ठीक है, और कौन सा पेयर है जो आपको, आप लोग इम्पोर्टेंट उस पर ट्रेड करते हो? XPT को देख लेते हैं, XPT बड़ा अच्छा ट्रेड होता है, गोल्ड का भी बाप है ये तो। मुसलसल पैटर्न ब्रेक करता आ रहा है XPT, इंपल्स करेक्शन, इंपल्स करेक्शन, ओपोजिट साइड इंपल्स। एक्सपीटी पे मुझे कोई ट्रेड नज़र नहीं आ रही, समझ नहीं आ रही, इसलिए एक्सपीटी को मैं इग्नोर ही करूँगा फिलहाल। ठीक है, वीडियो तो मेरे ख्याल काफ़ी लंबी हो गई है। मैं फिर कहूँगा जो लोग नए पहले पहली बार वीडियो देख रहे हैं यार, वो प्लीज़ मैंनू गाला ना कटना, क्योंकि जब तक तुम पिछली वीडियोज़ नहीं जाके देख सकते, देखोगे तो तुम्हें समझ कोई नहीं आनी। नेक्स्ट वीडियो में मैं स्कैल्पिंग की वीडियो जो मैंने लड़कों से वादा किया, मैं उसको थोड़ा सा और आसान करने की कोशिश कर रहा हूँ, फिर मैं आपसे शेयर करूँगा इंशाल्लाह अल्लाह के हुक्म से।
पेज को सब्सक्राइब करें अगर आप वीकली एनालिसिस देखें। अब मैंने संडे को दोबारा का एनालिसिस करना, ये जो आज अभी मैंने एनालिसिस किए सिर्फ कल के लिए, फ्राइडे के लिए एनालिसिस किए, क्योंकि पहला दिन होगा महीने का, मार्केट दगड़म बगड़म करेगी, मुझे नहीं पता कोई न्यूज़ है कि नहीं।